बील शब्द जन्मा है द्रविड़ भाषा के बील शब्द से, जिसका अर्थ है धनुष। जानते हो, एकलव्य एक भील युवक था जो अपनी लगन से एक महान धनुर्धर बना। एकलव्य के अलावा और भी कितने भील स्त्री पुरुष हुए हैं जिनके विषय में तुमने सुना होगा। अब वालिया नाम के भील युवक को ही लो, जिसने पूरे विश्व को एक अनमोल खजाना दिया। वालिया नाम के भील ने अनमोल खजाना? हाँ, लो उस खजाने की एक झलक देखो। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो राम जनः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशे। पहचाना? संस्कृत का यह श्लोक जिस खजाने से लिया गया है वो है रामायण, और इसके रचयिता वालिया नामक भील ही थे जिन्हें संसार महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानता है। जनसंख्या की दृष्टि से भील भारत की जनजातियों में तीसरे स्थान पर आते हैं। ये अधिकतर राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में बसे हुए हैं। भीलों के मूल के विषय में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग इन्हें प्राचीन निषाद जाति का मानते हैं। पुराणों में ब्रजरथ नामक निषाद का वर्णन आता है जिसने हिरण का शिकार करने के लिए एक तीर चलाया, लेकिन वो जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा और घातक सिद्ध हुआ। कहते हैं उसके बाद से भीलों को शाप मिला, जिसके कारण वे अपने सीधे हाथ की पहली उंगली से तीर नहीं चला पाते। कुछ लोगों का कहना है कि भील द्रविड़ों से भी पहले बसी जाति के हैं। स्वयं भील अपने को सतयुग में जन्मा मानते हैं। रामचरितमानस में शबरी का यह प्रसंग कितना मार्मिक है। शबरी भी भील जाति की ही थी। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार डूंगरिया, बांसिया और कोटिया नाम के कुछ भील सरदारों ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों पर राज्य किया। इन्हीं सरदारों के नाम पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर आदि शहरों के नाम पड़े हैं। जब भीलों का राज्य छिन गया तो उन्हें जंगलों में रहने के लिए विवश होना पड़ा। तब से भीलों का इतिहास एक लंबे संघर्ष का इतिहास रहा है। जंगलों में रहते हुए उनका राजपूतों से संपर्क हुआ, जो धीरे धीरे घनिष्ठता में बदल गया। कुछ राजपूतों में ये परंपरा शुरू हुई कि राज्याभिषेक के समय तभी राजा गद्दी पर बैठता था जब कोई भील अपने खून से राजा का राजतिलक करता। राजपूत राज्य की नींव रखने वाले बप्पा रावल का लालन पालन भीलों ने ही किया और फिर उन्हें राजगद्दी पर बैठाया। महाराणा प्रताप के बुरे दिनों में भी भीलों ने ही संरक्षण और सहायता दी। तभी तो महाराणा प्रताप के राज चिन्ह में एक तरफ राणा को दर्शाया गया है और दूसरी तरफ भील सरदार को। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम ऐसे ही नायक और भील समाज के हिस्ट्री और वीडियो बनाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय भारत, जय आदिवासी।